subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत से होता है। जो रेसिपीज टाइम पर शारजा कुकिंग ऑयल से गड विटामिन ए एंड डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल कुकिंग ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल वनस्पति घी, ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है, नई पैकिंग में दस्तियाब है, जिनमें खाधा ठाईंदा तमाम मज़ेदार। तो अज भी जो असा सेगमेंट है गेस्ट असा सा गड आन वो तक बुधाइंदा केर असा गड आई तक भी मैं अचो पी रेसिपीज रेसिपी शेयर कर सूँगा। तो रेसिपी ठे पी कोफ्ता कोफ्ता ठंडा मज़ेदार ही रेसिपी पी रेसिपी शेयर कदा गड बेसण की टिक्क ठंद बेसण की टिक्क सीजन है सियारो है या बरसात जो मौसम हों तो बेसण जो इस्तेमाल है। तो ये टिक्क भी ऐसो सुबह जो 11 लगे रिपीट हों कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है उत्तर रेसिपी अपलोड थी वीडियो ऐसा सर्च कर SinTV HD कुकिंग शो यूट्यूब से या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर सूँगा। स्क्रीन से नंबर ले पे कॉल कर पुछी सूँगा का भी तक फरमाइश करनी हो करे सूँगा। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल शारजा वनस्पति घी के साथ विटामिन ए ई और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल और घी है, ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है, नई पैकिंग में खाने मज़ेदार बनते हैं, इसमें आपकी फरमाइशें भी पूरी करते आ रहे हैं। गेस्ट भी अगर आप आना चाहती हैं आज भी गेस्ट हैं और हमारे रेगुलर कॉलर हैं वो तो उनको भी वेलकम करेंगे। और रेसिपी वो क्या बना रही कोफ्ते बना रही अपनी रेसिपी आज हमारे साथ शेयर करेंगी और बेसन के कबाब लाइक टिक्कियाँ बनती है बेसन की वो बनाना सिखाएंगी। मज़ेदार ये रेसिपी है सर्दियों के हिसाब से और इंशाल्लाह सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें SinTV HD कुकिंग शो यूट्यूब पे या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर सकती हैं यूट्यूब पे, मेरी रेसिपीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी वीडियो के साथ। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है वो आप कॉल करके पूछ सकती हैं कोई भी फरमाइश करनी हो। किचन में टाइम बचाईंदी ताकि गेस्ट के भी वेलकम क्यों किचन में हली रेसिपी भी स्टार्ट कदासी। अज असा गड आन अदी परवीन जो रेगुलर कॉलर आन वेलकम क्यों था अस्सलाम वालेकुम अचो अदी अचो अचो। आज हमारे साथ गेस्ट हैं हमारे रेगुलर कॉलर हैं मुझे कॉल करती हैं परवीन गुलशन हदीद से कॉल करती हैं और काफ़ी दिनों से कॉल कर रही थी कि मैं आना चाहती हूँ आज हमारे शो में आई हैं और रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगी मज़ेदार। जी हदीद हाँ कोफ्ता ठाओ पे आई उन सर बेसन जी टिक्की ठाई दो ठीक है किए लगे पे सबनी का पे ता बुधायो मुझे प्रोग्राम में जी डाडो सुठो तो लगे आई हां ताके ही भी बुधाया के मुंजेला हे घर मानी भी ठाई खणी आई हूं चावरन जी मानी आई पल्ली जो साग है ना डाडो मजेदार हो वो भी मां खाए तो है। तो रेसिपी स्टार्ट क्यों था वो गालाइंदा भी रहंदा सी गडगड पेरा कोफ्ता जो है कोफ्तन जो स्टार्ट क्यों कोफ्तन जेला संगे छाछा कपे कीमो खपंदो घणो है कीमो अध किलो गेहूं जो कीमो है हां ठीक है रुखो कीमो है बगैर चर्बी जे अध किलो है मशीन में मशीन में ठीक है मशीन हम लेते हैं और कीमा है आधा किलो ठीक है। परवीन है हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर है प्रोग्राम में आई हैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हैं नोट कीजिएगा मज़ेदार रेसिपी है खासकर और जो बेसन की टिक्कियाँ हैं ये बड़ी अच्छी रेसिपी है। तो ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे और इंग्रेडिएंट्स जो है पूछते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे ठीक है। मसाला जो पीसंदी वो तक बुधाइंदा वेंदा केतरी क्वान्टिटी में छाछा वेंदो कीमो विझी छोड़ो इनमें ठीक है अध के जो ये अध के जी है अध किलो अध किलो ठीक है बसर हाँ तुम पा विझा बसर घणो है इनमें बस एकड़ो बसर एक अदद प्याज है आधा किलो कीमा है बसर हाफ स्लाइस कटिंग थे है ठीक है नॉर्मल जो बारीक कटिंग थे एक बसर है एक वधिक थी वा अच्छा ग्रेवी ला रखो एक बसर है तकरीबन कीमो है मसाला विजो चमचा दियो ता ताके बुधाइंदा वंजो छाछा विजो करना मसाला लून लून ता विजो घणो अध चमचो अध चाय जो चमचो लून नमक हाफ टीस्पून हेड अध चाय जो चमचो अध चमचो ठीक है हाफ टी स्पून हल्दी धाणा पीठल धाणा ई पर सडियो ए वधिक विझंदो हां 2 चाय जो चमचन जेत्रो हां ठीक है 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच नमक आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ए गाढ़ा मिर्च गाढ़ा मिर्च केतरा केतरा अध चाय जो चमचो ठीक है क्या करदा ग्रेवी में भी सावा मिर्च सावा भी विझंदो इन करे उ तिखा थी सावा मिर्च कटिंग करे दिया ताके हां वो घणा विझबो बस ट्रे खन के ठीक है
तीन अदद हरी मिर्चाएं की। मज़ेदार रेसिपी बन रही है, कोफ्ते और ये मसालो छा है कोफ्ते। अच्छा, ये कोफ्ता मसालो पांजो एक खणी आयो इन के भी कंपनी जो वठी सको था। ये थोड़ो पांजो विजन पे ठीक है, फ्लेवर देन ला। अगर कोफ्ता मसालो ना हो जे तो पो हनी में भी सुठा ठई विंदा। हां ठीक है। जीरो जीरो घणो वो भी आधा चमचो, आधा चाय जो चमचो जीरो सब शयो आधा चाय जो चमचो बने पे छाकण त जड़े ग्रेवी ठंदी हन जी। हां ए कुटल गरम मसालो कुटल गरम मसालो आधा चाय जो चमचो ठीक है। बियो पहली कॉल वठूं था जुबैदा इन कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा फसल काय छे अभी के कोन कर सलाम आई जाऊं जन। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वाले जी 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 शुक्र अल्लाह सेंडर ठीक है तां जी दिसि रहा है रस जी है इंशाल्लाह तआला से पान भी ट्राई करना थी। हां दिस जो सुठा तव कोफ्ता। हां जरूर ठाए जो को फरमाइश दी था जी को चेंज चाहिदो अदा अदा जी के बी आई ना चले जी के बी जेन टिक्की दिखाई दे आई है बिल्कुल नारू बी एन जी टिक्की बी लगा दी जी जी ओए अदा गोगड़ू में के आई ना ओए पहचान से खा रहे हो गोगड़ू पहचान से खा रहे हो जी जी अति दिखाई ना करता तक पता खाए से खा रहे हो ठीक है आई बी एन जी टिक्की जी जी दा बी एन जी टिक्की आई जी सलाद अदा भाजी भी भाजी में गजरे में छाजी भाजी गजरन जी बिहान जी बाजी ठीक है इंशाल्लाह नोट किया तो जल ठाइंदा से ठीक है दी ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अच्छा अगेन बुधाय जो सासुम साई थूम देसो आधा किलो कीमो एक गंड बसर उनका को ब सावा मिर्च ट्रे सावा मिर्च नंडे कटिंग करे विदा उनका को पीठल गाढ़ा मिर्च आई हाइट लून आई छा विदो जीरो आधा चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर आधा चाय जो चमचो आई ताई घणो विदो कोफ्तन जो मसालो ये भी आधा चमचो कोफ्तन जो मसालो मिलंदो मार्केट में वो भी इनन आधा चाय जो चमचो हां सावा दाणा भी हाने सावा दाणा सावा दाणा पुदनो केत्रो है ये बस इतरो है बस ये आधा भी जंदो आधा ग्रेवी लाए हां बस ठीक है एक कप जेत्रो ठई वियो आई हिंजे अलावा अदरक तुम जो पेस्ट विंदो इनमें हां इनमें विंदो यो ठीक है। रेसिपी रिपीट करा रहो आधा किलो कीमा रूखा कीमा होना चाहिए कोफ्तों के लिए चर्बी ना हो उसमें और बिल्कुल साफ कीमा होना चाहिए। आधा किलो मशीन का कीमा ले लें। एक अदद छोटा प्याज हाफ स्लाइस कटिंग करके डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट इन्होंने दो चाय के चम्मच भर के डाला है ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च हल्दी पाउडर नमक आधा आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच जीरा आधा चाय का चम्मच और इन्होंने ये डाला है कोफ्तों का पाउडर मिलता है वो आधा चाय का चम्मच डाला है जस्ट फ्लेवर देने के लिए बस। और हरा धनिया पुदीना हाफ हाफ कप डाला है और तीन अदद हरी मिर्च बेसन हाने भी चंदो हां हाने मिक्स कंदा से ठीक है थोड़ा सा भाई जी। अफशान कराची का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैसल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अफशान आपके क्या हाल है? मैं खैरियत से हूं जी जी। देख रही प्रोग्राम? हेलो हेलो प्रोग्राम देख रही हैं जी? फैसल भाई कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं आप जी? कुछ कहना चाहेंगी? फैसल भाई गाजर की खीर बता दे मुझे। कौन सी खीर? बनानी थी गाजर की खीर। गाजर की खीर गजरेला जी जी। अभी जबानी बता दूं या बनाना सिखा दूं? बता दे अभी, मतलब मुझे बनाना था बनानी नहीं आती। आप बड़ी फास्ट हैं। अब मैंने पाए बताए थे आपने फौरन बना लिए जी। चले इंशाल्लाह मैं जैसे बीच में मौका मिलता है मैं फौरन पूरी रेसिपी रिपीट करा दूंगा ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेसन करो भी उनमें? बस बेसन बचम चावदा से खाने थोड़ा सा पागे बेसन इनमें ब चाय चा बचम चावदा ब खाने चा चमचा चाय चा हां खाने वाला ठीक है। ब टेबलस्पून बेसन हलाई छना हां बेदो ना ना बेदो वो बेदो बाद में वो बेदो बेदो चंगी तरह इनके पीस को पीस ले सब आप पीस के बने बस इनके आने छोड़ो एकड़ो पूरो या बस एकड़ो सडियो सडियो बेदोन में लेगा। एक अदद अंडा भी डाल देंगे ठीक है। पहले पीसने के बाद इसमें फिर एक अदद अंडा डाल के अगेन इसको चलाएंगे ताकि अच्छा सा पिस जाए बाइंडिंग हो जाए इसकी।
दफ़ा हाँ बस सही सही है हाँ। मैं इनके कटी दो बाउल बाउल में ठीक है अच्छी तरह पीसना है अंडा हाँ। एक डाल दिया था इसके अंदर अंडा डालने से बाइंडिंग होगी बेसन डाला इन्होंने 2 टेबल स्पून ये हम निकाल देते हैं चल जो मशीन हाँ। ठीक है हे कोफ्तन जो मसालो तैयार थी हो जिस तरह था ग्रेवी ठाइंदो गड गडी कोफ्ता ठंदा रंदा ताकि पसर भी गाढ़ो थिंदो रहे ठीक है मजेदार ये रेसिपी है नोट कीजिएगा और कोई फरमाइश करनी हो तो आप कर सकती हैं अगर मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं अपनी रेसिपी सेंड करना चाहती हैं तो रेसिपी पेज पे सेंड करें मैं आपके नाम से बना दूंगा चलो ये हो गई ठीक है हाँ इनमें छा करो एक कोफ्ता ठाई दो एक कोफ्ता ठाई दो पहले हम मसालो ठाई दो ठीक है थी वे हाँ खड़ो तक कढ़ाई जिमें असके मसालो ठाइण है ठीक है अब इसकी ग्रेवी बनेगी ऑयल मान तो शारजा कुकिंग ऑयल अस खणंदा सी इनमें केतरो खपे ऑयल थोरो बस जो दादा तो अद प्याली हां अद प्याली सही है ठीक है शारजा कुकिंग ऑयल विटामिन ए इनकी का पूरा लो कोलेस्ट्रॉल मेगा 3 मौजूद है बेहतरीन कुकिंग ऑयल है ताई सामून में खादा ठन पिया हाने इते अद कप अस खयो शारजा कुकिंग ऑयल इनमें एक गण बसर दिया मुके दे चलो हां हाने ता कोफ्ता खण शुरू के जैसे बसर के मगाड़ो के तो ठीक है पानी में प्याले में तो ताके ठीक है कोफ्ते बना रही है और हाथ गीला करके हमेशा पानी से कोफ्ते बनाया करें उससे क्या होता है अच्छे कोफ्ते बनते हैं शेप अच्छा आता है यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहा है जब तक ये कोफ्ते बनाएंगे हे पानी प्लेट वो ठीक है देखो अच्छा गजरेला की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ गाजर का गाजर की खीर जो बनती है उसके लिए आपने ले लेने 2 कप गाजर कश करके ठीक है गाजर 2 कप जितनी कश कर लें वॉश कर लें छन्नी में डाल के उसको ड्राई कर लें हाथ से निचोड़ के ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है चावल भिगो के रखने हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चावल को भिगो के रखें 1/2 कप जितने चावल भिगो के रखें फिर उसको ग्राइंडर में पीस लें ताकि वो टूट जाए बिल्कुल दाना सा बन जाएगा ठीक है थोड़े से दूध के साथ पीस लें या उसी के अपने पानी 1/2 कप पानी के साथ पीस के वो रख दें साइड में सबसे पहले आपने क्या करना है 1.5 लीटर दूध गर्म करना है उसमें आपने चावल डालने हल्की आंच पे पहले दूध को बॉयल करें फिर चावल डालें और चावल थोड़े 5-10 मिनट पकने दें चावल में गाढ़ापन आना लगेगा साथ गाजरें डाल दें गाजर को हल्की आंच पे पकाते रहें 10 से 15 मिनट 2-3 बॉयल आएंगे हल्की आंच पे पकता रहेगा फिर उसमें आपने 1.25 से 1.5 कप चीनी डाल देनी हसबे ज़ोर ठीक है इसको पकने दें अच्छी तरह जब देखेंगे खीर की तरह वो गाढ़ा होने लगेगा फिर इसमें इलायची पाउडर कूट के इलायची पाउडर छिलका हटा के 1 चाय का चम्मच वो डाल दें ठीक है फिर मजीद पकाएं जब बिल्कुल खीर गाढ़ी हो जाती है जैसे खीर बन जाती है तब 35 से 40 मिनट लगेंगे ठीक है हल्की आंच पे जब खीर तैयार हो जाएगी फिर उसमें केवड़ा वाटर या अरके गुलाब 1 खाने का चम्मच डाल दें या केवड़ा एसेंस है तो वो 1/4 टीस्पून डाल दें बिल्कुल 1/4 चाय का चम्मच मजीद उसको पकाएं फिर इसमें किशमिश भिगो के रखें 1/2 कप जितने पहले से टंडियाँ हटा के वॉश करके किशमिश भिगो के रखें उसको नचोड़ के पानी से वो किशमिश मिला दें फिर जब वो गाढ़ी हो जाएगी खीर तैयार हो जाएगी इसमें डिश में निकाल दें ऊपर से पिस्ता बादाम फाइन चॉप करके रख दें ठंडा करके उसको सर्व करें नीम गरम भी खा सकती हैं गजरेला कहते हैं जी यदि कोफ्ता अच्छा ही कोफ्ता ठान पिया मज़ेदार बिल्कुल तरीके से सुठा ठहन हाँ बिल्कुल परफेक्ट ठीक है कोफ्ते बना रही है अच्छा ये फ्रीज भी कंदा आयो ठाए रखना है पहले ठाए रखी से नहीं जी हां फ्रिज में पया हो जाए पया होता है फ्रीजर में रखी चंदा फ्रीजर में रखी से नहीं पोछ वगैरह भी ठाए जने कटणो तो घणी देर पहली कटंदा हो नहीं माना बदी भी ऐसा रखी से नहीं माना सुबह ठाए जे ये भी करना है उन माला भी ठाए जे अच्छा ठीक है बेओ छा सुठो ठाइंदा हो माशाल्लाह हर शे अद्दा के छा बणदो है वधिक ता जते अद्दा के उन के गोभी गोश्त या बाकर गोश्त चंदो है कोरमो अच्छा हां पर थूम बसर जो बोड़ो जो सावन जो है साई बसरन जो सावन बसरन जो साई थूम में सावा बसर है अच्छा मच्छी में खाइदा हो मच्छी में अच्छा हां मच्छी जो बोर टाइप हो भी चंदा है उनमें हां उनमें को अच्छा अगर 1/2 किलो मच्छी है तो उनमें घणो भी चंदा हो बसर उनमें 4 वो बसरन जो हुंदे ने 4 थूम जो हुंदे ने ड्या सावा बसर वजी पानी अच्छा 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 ठीक है बियो कुकिंग जो शौक किथा थे ताके बस शुरू खाई शुरू कुकिंग जो शौक आ है ठीक है सो ठीक गाल है काफी घरन में जी कोफ्ता वगैरह ना ठाइंदा जी हे तरीके से कोफ्ता ठाइन पे शौक खाई खबर पेंदी है कोफ्ता ठाइन अक्सर मानु के मुश्किल लगदा है ना काफी मुश्किल लगदा है नरगिस कोफ्ता भी ठाइंदा है अच्छा नरगिस कोफ्ता भी ठाइंदा है अच्छा अंडे वाला कोफ्तन का खबर पेंदो है कि शौक केत्रो है कुकिंग जो शौक जेके होंदो कोफ्ता हमेशा परफेक्ट ठाइंदा है अच्छा बसर इते गाढो थी पाणे छ विझंदा से इनमें टमाटर विझंदा से अच्छा अदरक तुम जो पेस्ट और साबित गरम मसालो ये पो विझंदा है विझंदा सड़ी
दियो विझो टमाटा तो अंदर अच्छा प्याज ब्राउन हो गया घणा इन टमाटा में बतावे बे टमाटा दो अदर टमाटर चॉप करके डाल दिए ठीक है ब अदर टमाटा कटिंग करे विदा पेरी बसर गाढ़ो थियो तो ब अदर टमाटा विदा अद प्याली इनमें विदो है हां मसाला विझना वेदा अच्छा मसाला विझना मा विझा हां भाई ना बुधाइंदा वने मा विझा तो टॉप जा छा विझो इनमें लूण विझो से मिर्च विझो से ता बल्कि इन पासे अच्छे नो पहले प्लेट इतर चुमा है ता मसाला विझा छो इतर रखो ता ता को पता ये प्लेट मथा रख छो अच्छा इनमें छा छिचणो है पीठल गाढ़ा मिर्च कितरो कितरो ता जी हिसाब से मटा हां बस सही सही हां हाइड अद चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च अद चाय जो चमचो ये बदी भिजणा है ना हां ये धाणा विझो ब चाय जो चमचा पीठल धाणा सही है आई कोफ्ता मसालो इनमें भी आई विझो सा अद चमचो जो अद चमचो कोफ्तन जो मसालो ठीक है अद चमचो होते भी तो आई लूण अद चाय जो चमचो देओ हाल फिलहाल से तू अदरक विदा बस ना विचा पियो ये पानी वट विझो अच्छा ब्रेक जो टाइम थे पियो ठीक है मसाला विदा इनमें अदरक तुम जो पेस्ट विंदो आई ब्रेक जो टाइम थी ठीक है ब्रेक पे जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मसाले में दोबारा रिपीट कराऊंगा आपको और क्या क्या इसमें ऐड किया कोफ्ते यहाँ पे बन रहे हैं लेते हैं शॉर्ट ब्रेक के लिए ब्रेक बटन से ब्रेक का पूछिए रेसिपी कंटिन्यू करना दिल चाहे और क्या शारजा शारजा बनस्पति शारजा कुकिंग ऑयल तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल तमाम बेहतरीन बनस्पति की है विटामिन ए ई एंड डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल की लो कोलेस्ट्रॉल कुकिंग ऑयल ओमेगा 3 मौजूद है इनमें खादा तमाम सुठा ठंडा है जो असा ठाई पे कोफ्ता आदि आन परवीन असो रेगुलर कॉलर मौजूद है अज रेसिपीज तक शेयर कन पे कोफ्ता टाइम पे तमाम जबरदस्त है काफ़ी सारा इतने ही तीस कोफ्ता ठाया ये देख सकते हैं कोफ्ते बनाए हैं हमारे कॉलर हैं रेगुलर कॉलर हैं परवीन और ये हमारे साथ आज रेसिपी शेयर करी मेरे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आई हैं कोफ्ते बना रही बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से और खासकर जो कोफ्ते परफेक्ट बनाए तो वहीं से पता चलता है वो कुकिंग में एक्सपर्ट हैं और मैंने आज इनको देखा जिससे कोफ्ते बना रही मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि कुकिंग में एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये रेसिपी बना रही हैं ठीक है रेसिपी तमाम सुठी टाइप है मसाले जी रेसिपी तक रिपीट करायूँ था अद प्याली अद कप जितो शारजा कुकिंग ऑयल विधो उनमें एक गंढ बसर की बारीक कटिंग करें गुलाबी कई अदरक तुम जो पेस्ट वो ब खंड चमचा टमाटा विधा इनमें ब अदद कटिंग करें टमाटा नरम थे पीठल गाढ़ा मिर्च हेड कुटियल गाढ़ा पीठल गाढ़ा मिर्च हेड ए लूण अदद चाय जो चमचो कोफ्तन जो मसालो मिलन वो अद चाय जो चमचो विधो पीठल दाणा ब चाय जो चमचा विधा और मसाले के चंगी तरह भुनो भुनने का इनमें गरम मसालो साबित विधो जैमें तेज पत्तो एक लौंग चार अदद हुआ एक वो फोटो हो दालचीनी की एक डंडी भी आई थोड़ा अच्छो जीरो सौंफ भी हुआ शायद ना थोड़ा सा सौंफ हुआ चाय जो चमचो उनके चंगी तरह भुनो है ग्रेवी थोड़ी दिखाजो चमचे सा कैमरे में हे दिसो अली भाई दिखाएगा इस तरह की ग्रेवी ठीक है इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसकी ग्रेवी बन गई जबरदस्त तरीके से भुनाई करनी है और हल्का सा पानी का छींटा दिया है कॉल बटू था अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अंकल कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक बेटा कौन हो कहाँ से बात कर रहे हैं मैं असद फ्रॉम कराची जी जी कुछ कहना चाहेंगे जी मुझे आपसे फरमाइश करनी डोनट्स बनाना सिखा दी डोनट्स बना दीजिए ठीक है बेटा डोनट्स बनाना सिखा दूंगा चॉकलेट में चाहिए आपको जी जी ठीक है इंशाल्लाह बना दूंगा ठीक है बेटा ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अच्छा इनमें थोड़ो तां पानी भी दो ताकि ग्रेवी तमाम सुठी ठही बने ठीक है ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है परफेक्ट ग्रेवी बनी है ये मैं दिखाना चाहूंगा ये देखें इन तरीके की ग्रेवी है पानी जो छंडो थोड़ो हल्को दिनो है ताकि मसालो पतलो भी ना थिए आई सुठी भुनाई थी बने खुशबू अच्छे तमाम सुठी पानी विझंदा से ये कोफ्ता विझंदा से हाने पानी केतरो विंदो वरी अगेन इनमें माना एकड़ो कप एक कप पानी एकड़ो कप पानी हली वो एक कप अगेन पानी डाला है पहले मसाले को हल्का सा भुने हल्का सा पानी का छींटा देके देन एक कप पानी इन्होंने डाला है अब इसमें कोफ्ते जाएंगे ठीक है थोड़ो बॉयल थे पानी बॉयल थे तो पोहा विझंदा मत तेज क्या हां पानी बॉयल थो इनमें कोफ्ता विझ विझबा ठीक है 12-14 कोफ्ता ठाया टे छह सत अठ नौ दह ग्यारह बारह तेरह 14 कोफ्ता ठाया काफ़ी सारा इन अगर अद किलो में ठाया था कुछ रखी छो फ्रिज में अगर पूरा ना ठाणा अद कोफ्ता तुम फ्रिज भी कर सको था रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ शारजा कुकिंग ऑयल गर्म किया हाफ कप जितना 6-8 टेबल स्पून
एक प्याज इन्होंने डाला, उसको लाइट गोल्डन फ्राई किया, गोल्डन कलर आ जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला दो खाने के चम्मच, उसके बाद दो अदर टमाटर डाले नरम हो जाए टमाटर, उसके बाद पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक आधा आधा चाय का चम्मच डाला, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच डाले और इन्होंने मसालों कोफ्ता मसाला कोफ्ता कोफ्ते का मसाला मिलता वो हाफ टी स्पून डाल के मसाले को बहुत भूना है। अब ये कोफ्ते डाल रही है, उससे पहले भूनने के बाद इसमें साबित गरम मसाला किया जिसमें चार अदद लौंग, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, हाफ टी स्पून जितना सफ़ेद जीरा और एक तेज पत्ता डाला था, मसाला भुन गया। फिर ये कोफ्ते इन्होंने बनाए हाथ गीला करके और कोफ्ते इन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है, कोफ्ता विजी छा जो आई कोफ्ता में फौरन चमचो ना हिलाए, बेहतरीन रेसिपी टेबी पानी घट विदो है, बाकी तान में दही विजन दो ना, हां दही विजन दासे सन वाली, ठीक है मुकरे छ थोड़ा ढको ना कढ़ाई सिंदा से, बिल्कुल ढक दे छरो, बात हो रही की कभी बात हो रही हल्की कभी हल्की कभी, हां ठीक है चूल्हा हल्का कर देते हैं जी, बात थोड़ी हल्की की, जैसे बेसन उठायो मसाला, बिल्कुल बेसन था उठायो मंदांगे प्याली रिया तो, हां पड़ियो। अब बेसन की टिकिया बनेगी तो उसके लिए बेसन इन्होंने जो गूंदना है बनाना है वो मैं आपको बताते हैं कि किस तरह इनमें छावी जंदो हणे इनमें बसर विझंदो बेसन चमचो 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 लीजो बस छट भी नहीं ठाए बिल्कुल, हां छ का आठ टिकियो जते ता ठायो बेसन ही केतो विझबा 1 कप आए, हां देखो 1 ठीक है अंदाजे सा 1 कप बेसन तक 6 6 बना रही ठीक है या वधिक करी छजो, हां थोड़ा वधिक बेओ भी विचो 1.5 कप जितना बेसन 1.5 कप करी छलो, ठीक है सही है अंदाजे सा, ठीक है 1.5 कप बेसन आए बसर टुकड़ो विदो नंडी बारीक कटिंग करी, एक बसर नंडी, एक छोटा प्याज फाइन चॉप किया हुआ कटिंग किया हुआ, ए साई थूम है, हरी लहसुन घणी अद्ध प्याली ब डंडी वन, साई थूम ब डंडी वन कटिंग करे बारीक, ए धाणा सावा सिर्फ सावा धाणा है, सावा धाणा फुदनो भी फुदनो ही सावा धाणा, एक प्याली है, एक प्याली हरा धनिया पुदीना मिला के, एक दो स्टिक हरी लहसुन की फाइन चॉप करके, सावा मिर्च घणा ये बन ब अदद सावा मिर्च, दो अदद हरी मिर्च, ए जीरो जीरो घणो एक चम्मच एक चाय का चम्मच सफेद जीरा, ए धाणा भी एकड़ो चम्मच, एक चाय जो चमचो धाणा पाउडर, पिसा हुआ धनिया एक चाय का चम्मच, ए मिर्च भी एक चम्मच, पिसी भी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, परे खड़े थी हां ठीक है, और हल्दी हाइड घणी यो भी आधा चाय चम्मच, हाफ टीस्पून हल्दी, ओए सोडा थोड़ी मीठी सोडा घणी थोड़ी बस बिल्कुल क्वार्टर टी चोट बर चपटी मीठी सोडा बिल्कुल थोड़ी जी विच भी है, ठीक है ए चाट मसालो चाट मसालो घणो थोड़ो आधा चाय जो चम्मच चाट मसाला हाफ टीस्पून चाट मसाला ए नमक नमक घणो हसबे जरूरत हाफ टीस्पून से भी कम फॉर टेस्ट नमक चाहिए ए थोड़ो तेल लीजो तेल हां शारजा कुकिंग ऑयल घणो एक खाने जो चम्मच विजा हां विजा जी ठीक है विजा विजा तो आदि शाजियान हाला खास सागर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल है नदी हेलो हां दा बिल्कुल ठीक तान जबरदस्त प्रोग्राम ने सुना जी अति हां दा तमाम बेहतरीन गेस्ट अति जेका सा रेगुलर कॉलर आ ओया आईया दाडो सुठो को लगे वेलकम थी वदा के अति के हां दी ता भी खुश है ठीक लगे पई आयो हां दी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक लगा पे आयो ता बदायो हां दी सब ठीक आयो तमाम बेहतरीन रेसिपी पठाए हां कोफ्ता ठाए हां भाई कोफ्ता ठाए हां कोफ्ता ठाएन ए बेसन जी टिक्की ठाया हां जी बिल्कुल टाइम से सुन रहा बस मुझे आती के वेलकम चाहूं सही सही वेलकम सही अदि तमाम बेहतरीन रेसिपी का ठायो डाटा सुठो को लगे वाकई अदि शादिया कोफ्ता बिल्कुल परफेक्ट ठान पिया तमाम बेहतरीन ठान पिया कोफ्ता ना हां ता बिल्कुल सालन में एट पे गेस्ट उन्हीं टाइम का की मारे तो ता प्लीज बताइयो तो पेशर में मतलब की में ठाए कर दिस कोफ्ता की ठाया दस दिया मोटा टाइम जा रहा नायो पर अति पेंजी रेसिपी बताए थोड़ी ऐसा के ठीक है वरी रिपीट करायो ता ठीक है दी हां ठीक है अदी अदिता गिर सी करे दादी खुशी थी आ सब लगे थैंक यू हां असा एपिसोड टाइम करता सी टाइम दा रहा प्रोग्राम में असा गेड कुछ स्टूडेंट्स भी उतार जा हां सही सही इंदा इंशाल्लाह घुराइंदा सी इंशाल्लाह घुराइंदा सी वेरी ओके 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 थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा हे हां हे बस ए तैयार थे मसालो टिकिन जो ठीक है हे मसालो तैयार थे ए रखो दा मसाली बतरिंदा सी ठीक है हे नरम थना है वधिक ना हे देखो हाँ, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ठीक है इसमें हल्का सा पानी डाला है खाने का चम्मच ऑयल भी विदो है हाँ, दो खाने के चम्मच ऑयल डाला है ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाती है देखें इस तरह का होगा
गाढ़ापन होगा ताकि इसकी टिकिया अच्छी बनेगी। ठीक है, ये रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। इसकी 1.5 कप बेसन डाला, उसके बाद इसमें 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना डाला, 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाली, हरी लहसुन की 2 डंडियाँ बारीक चॉप करके डाल दें। ठीक है, 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें, उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून से कम, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, आहिते चाहो जीरो हो जीरो जीरो जीरा 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा सोडा मीठा डालना है। यो छावी तो बस यही चाहिए, बस यही ये सब डालने के बाद 2 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल डाला, उसको मिक्स किया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा मिक्सचर बना दिया। और उसके बाद इसके टिक्कियाँ कैसे बनेंगी वो आपको दिखाएंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कोफ्ता तैयार थे पिया टिक्कियों, ब्रेक जो टाइम थे पे हथ रोकू था, ब्रेक ते विंदासी। ठीक है, ब्रेक ते विंदासी, ब्रेक का पहुंची ऐसा टिक्कियों ठाईंदासी, जैसे कोफ्ता भी तैयार थे पिया, बट होते शॉर्ट ब्रेक। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा वनस्पति शारजा कुकिंग ऑयल, तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल, विटामिन ए ई एंड डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल घी है, ओमेगा 3 में मौजूद है, जो मैं खाधा ठंडा तमाम मजेदार खुशबूदार। अज गैस रसा सा कर रहे हैं परवीन, जो रेसिपी ठाइन पे हूँ कोफ्ता आई बेसण की टिक्कियों। ठीक है, कोफ्ता असा जैसे तैयार थी वे तकरीबन पानी जो खुश थी परवीन, तांके पानी कवर कयो, पानी विझण 1 कप पानी विदो, इनके कवर कर छड़ो, चमचो ना हलायो ताकि कोफ्ता टूटन ना, हाने थोड़ो इनके भुनो पिया ताकि ऑयल निकल जाए। दही विझना से, अच्छा दही कितनी विझबीन में, ये बस एकड़ी प्याली विझना, एक प्याली ये अद्ध पाजे करीब आहे, हां एक प्याली इसमें दही जाएगी। ठीक है, पहले इन्होंने कवर कर दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने कोफ्ते गलने के लिए रख दिए ताकि गोश्त गल जाए कोफ्तों का, उसके बाद जब पानी इसका ड्राई होने लगेगा फिर उन्होंने 1 कप जितनी दही है बीट करके अच्छी तरह डाल दिए। ठीक है, दही फेटे चंगी तरह इनके अंदर विझी छिया, आए हे चंगी तरह इनके मिक्स कबो, और इनके दम ते रखा दो, अच्छा थोड़ा सा इसको भुनेंगे ताकि दही का कच्चापन, ऑयल घटता ना है, सही है। ठीक है, ऑयल का कच्चा सॉरी दही का कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, दही जो कच्चोपन खत्म थी है तो इनमें गरम मसालो रह हाँ तक टिक्कियों ठाने भी शुरू कर। ठीक है, ताकि टाइम बचे, इनके मैं शिफ्ट किया तो इन पास। ठीक है, ये हमारे कोफ्ते सब शिफ्ट हो गए, इनमें मसालो विझणो या ना पचण नहीं, ठीक है ढकना ही देना, ढक दे छो दही जो दही विधि हाँ फ्राइंग पैन खड़ी वो वो। ठीक है, बेसन जो टिक्कियों ठान पे बेसन की टिक्किया बन रही है जी। जैनब इन कराची का, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अंकल, पता नहीं क्यों दाड़ स्टॉक पर सुनी है तानी क्यों इले कर सुठो आ, मेहरबानी तमाम घणी बेटा, तेल तेल दे जी जी, कुछ चेंज चाहिए दो। हेलो हेलो हेलो, शायद कंफ्यूज हो गए बच्चे, घणी काफी ऑयल, हां बस थोड़ा ऑयल भी तो है, तकरीबन 4 टेबलस्पून, हां ऑयल गरम हो रहा है, 4 टेबलस्पून ऑयल डाला बेटा। आपने कॉल की थी, आप कुछ कहना चाह रही थी, लाइन आपकी ड्रॉप हो गई या आप कंफ्यूज हो गई है, ठीक है दोबारा कर सकती हैं कॉल। अच्छा हेते दिस जो ये बच्चे पे हो, हां हां क्योंकि थोड़ा घुमाई सा, ठीक है इसको थोड़ा सा घुमाना है, थोड़ा ना घुमाई दो, अन कितनी देर पचा दो, थोड़े बाय घट के छिड़े, ठीक है दम ते रख दो 5-10 मिनट इनके, कोई तैयार थी तो बस मथा सावा धाना है विजी के डिश आउट कर दो। ठीक है कॉल बैठो तो, अस्सलाम वालेकुम। हां हेलो फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हां फैसल भाई, आज तो मैं आपकी गेस्ट आई हुई है जी जी। क्या बता रही है, ये कोफ्ते बना रही हैं, बीफ के कोफ्ते हैं और बेसन की टिकिया बना रही हैं। अच्छा अच्छा जी जी, अच्छा मेरे को भी आप प्रोग्राम पे आना है जी। मेरे को भी आना है, मेरे को आना है, क्या क्या चेतिम के चणो, आपने आना है, हाँ हाँ बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम, जरूर आए। आप यूं करें होल्ड कीजिएगा, कंट्रोल रूम में अली भाई हैं, उनको अपना नंबर लिखवा दें, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा फैसल भाई, एक और आपसे बात करनी थी कि जी, बच्चों के जो बच्चों के कान पर से धुएं होती है क्या होती है, उसका कोई इलाज बताओ, क्या चीज बच्चों के सर में
जाती है, अच्छा जुएं हो जाती है बच्चों के, ठीक है ठीक। वो बहुत परेशान है बच्चों से, तो वो कोई इलाज बताओ। चले ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा ठीक है। आप बता रहे हो, आप होल्ड पे रहिएगा, फोन काटिएगा नहीं, होल्ड पे रहिएगा, अली भाई बात करेंगे आपसे। ओके जी। अच्छा ये हल्की आंच पे हल्की बाय थे, ये देखें इस तरह टिक्कियां बनेंगी, चम्मच से डाल रहे हैं इसको, ठीक है टिक्कियां बनती जा रही हैं, पॉइंट के आस्था सा पलटाई दो बाद में, एकरे पासे का कलर अच्छी बने हो खड़ी वर्तो था स्पून पलटाई वालों। मासी किथे रखी चले, मासी के गुण चैम जो हालांकि स्पून आपने धोके नहीं दिया, ये रहा ठीक है, इसको हम पलटाएंगे ठीक है। मजेदार ही रेसिपी भाई तेज क्या बेसन जी टिक्कियों हुई है, बरसात के मौसम में सियारे में शयूं तमाम सुठी लगंदी है। कोफ्ता रिसो किथे पोता था, कोफ्तन के कड़ी वठूं थोड़ा बसन कटे धाना ने भेजो ठीक है। ठीक है कोफ्ते हो गए हमारे तैयार, हरा धनिया इसमें जाएगा, थोड़ा सा पुदीना है चॉप किया हुआ, हेवीजी चना पुदीनो भी विंदो, अच्छा हरा धनिया पुदीना फाइन चॉप किया हुआ जाएगा ठीक है, इसमें हरा धनिया पुदीना फाइन चॉप किया, घणो विझणो आ थोरो बस ये खुशबू लाए फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया पुदीना ये जाएगा थोड़ा, वन वन टेबल स्पून टिक्की और इसे सड़न ना ठीक है, ये डाला सावा मिर्च भी ना कटिंग कर, हरी मिर्चें 2-3 अदद कटिंग करके इनके कवर के हमारी कवर कर ताकि खुशबू अच्छी बने, गरम मसाला पाउडर ठीक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला जाएगा ठीक है, अद चाय जो चमचो गरम मसाला पाउडर लास्ट में, खुशबू लाए असंजा कोफ्ता थी तैयार, कवर हिंजो काडे वियो ओयो ते बया ठीक है। हे दम ते हले आवे 5 मिनट साई मर्चेंट जो कलर चेंज थे तब इनके डिश आउट किया था, टिक्की जबरदस्त टाइम पे हूं, टिक्की के भी डिश में कटना सी ठीक है, बेसन की टिक्कियां बन रही हैं मजेदार किस्म की, ये आप बनाएं इसी तरीके से और इसको कबाब की तरह इसका शेप आएगा, अब मजेदार इसमें मसाले डाले हुए हैं, चीजें डाली हुई, हरी लहसुन डाली, हरी लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आपने जरूर बनाना है। आप अपने मेरे शो में आना चाहती हैं, अपना नंबर लिखवाएं, कंट्रोल रूम में मैं आपसे बात करूंगा, डेज डिसाइड करके रेसिपी सीक्रेट लाएं, डिफरेंट रेसिपी लाएं जो आपके घर में ज्यादा खाई जाती है, जो आपको ज्यादा अच्छी बना सकती है। हल्की क्या हल्की क्या हल्की हल्की ठीक है, कोफ्ता सा जो तैयार थी इनके मां कड़ी तो उठा ठीक है, डिसी उठो सही है, थोड़ा सा ना सही है बस काफी है ठीक है। कोफ्ते हो गए तैयार, इसे मैं डिश आउट करता हूँ जब तक हमारे बेसन की टिक्कियां तैयार हो जबरदस्त कोफ्ता, अगर तहां बीफ में न था खाओ या वडो कुछ न था बकरे जे कुछ में भी ठाई सको था इनके, हां ना या मुर्गी जा भी, मुर्गी जे में भी ठाई सको, मुर्गी जे की उन्हें भी चिकन में भी ठाई सको था ठीक है, चिकन में भी सेम रेसिपी से बना सकते हैं, बीफ नहीं पसंद तो आप मटन में बना सकते हैं, लेकिन असल कोफ्ते जो बनते हैं वो बीफ के ही अच्छे बनते हैं, गाय के गोश्त के, इनमें ही सही थी ना, हां इन्हें जो असल आही रेसिपी इन्हें जिया, लेकिन हर को खाए न तो ना शौक सा हां तो न करे भी ठीक है, गाढ़ा सा इसका लिक्विड जो ग्रेवी बनी है बहुत ही अच्छी गाढ़ी है, इसी तरह बनाए मजेदार ये कोफ्ते आपके हो गए तैयार, 12-14 कोफ्ते आराम से इसमें बन जाएंगे ठीक का, तो ये हो गया इन्हें सर आए तो भी दही जो मान उठाए सके तो अच्छा, पर चावरन सा सुठी लगा दे ठीक टिक्की ठीक है, ये कोफ्ता थी तैयार, इनके मैं रखा तो साइड में कोफ्ते और इसके साथ बेसन की टिक्किया, मजेदार बेसन की टिक्किया बन रही है, आए बेसन जी टिक्की ठही वेंदी सुबह जो 11 लगी रिपीट हलंदो उते तांडी सी सगोता ठीक है, सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा ये बन रही है, कॉल वठो ता अस्सलाम वालेकुम, काफी है मुझे हमें ना सलाम खुश है पुत्र, बिल्कुल ठीक ठाक, मां छा ले ताजा टाइम हो जा ला शुक्र है पुत्र ठीक ठाक, ता रिपीट न तो वाली सुबह ता अलाए मुके खबर ना, अली भाई रिपीट नहीं चल रहा, हां वो मां बताया मामा ना ले पे, अच्छा कल चलेगा 12 के बाद चलेगा, तो इनसे टाइम डिसाइड कर ले, मुझे बताएं तो मैं ऑन ईयर बता दूं, लेकिन पूछ ले इनसे परफेक्ट टाइम ताकि मैं अभी बता दूं ऑन ईयर, अच्छा सुबह 11 लगी ना है चैन पिया 12 का पोल तो मैं टाइम पूछी ताकि बताएं तो ठीक है, ठीक है थैंक यू ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज, अभी पूछ ले ताकि मैं ऑन ईयर बता दूं।
ठीक है हे टिक्यू तमाम सुठी रेसिपी से ठायो पे तमाम सुठो लगो था इते आयो इंशाल्लाह हाने नेक्स्ट टाइम ता छा सोचो छा ठाइंदो इते जी जेको ता चवंदो खाइंदा ना ता बुदायो ना ता छा ता दिल छा तो करे के छा सुठी से ठाया मच्छी में पुलाव चो गोभी गोश्त चो जेको भी चवंदो मच्छी जो पुलाव ठाइंदा सी मच्छी पुलाव भी सुठो ठांदो मजेदार ठांदो ठीक है ना इंशाल्लाह फिर इनको बुलाएंगे इनसे रेसिपीज बनाएंगे मजो आयो ता के ते कुकिंग करे कॉल ता कंदा आयो डेली ता रोज गलाई रहयो ए जे सबनी ता के डिठो भी मुझे प्रोग्राम में भी आया सब आदि शाजिया जी सुनाणी भी आ तब ताके के ताईंदा आयो तो इंशाल्लाह ताई कुराइंदा से ए टिक्कियो सई थी वेन तैयार मजेदार स्पंज वांगर हैं टिक्कियो सॉफ्ट हैं चा कहते हैं इनमें मीठी सोडा भी सोडा थोड़ी विधि से तो सख्त थी विंदी है ना ए चा सा खाए पे चावरन सा खाए जन ने चावरन सा खाए ना चावरन सा रात जो या नाश्ते ते नाश्ते में पराठे सा कर दो मान पराठे सा हां बेहतरीन आए टिक्की आई हियर जी सीजन भी हले पे थदु थदकार कराची में भी थद अच्छी आई दादी थी भैया कराची लगे वो मरी ठेला शाम का लगा लगा बगा रहे इसे जब मैं लाड़कानो चली आए नहीं तो कराची में बाकी हिंदा पे कराची मरी ते हुआ थद अच्छी भई दादी थद है खुशक थद है अजीब मजो भी अचे पे लेकिन अजीब सर्दी है ते थद इंदी कोने कराची में हैरत थे पे दफा असा कढाई ना हां ता कने आयो ता हाने जल्द आयो जाने आयो असा जून में आया जून में आयो तो ता सोचो हाने आगे मथे जो महीनो इंदो सियारो इंदो तो वो ता थदो ता खणी अजी हां बस लाइव ता तैयार थे ने हेलो ठीक आ हे लाई छडो अज मा साइलेंट कोन कयो सॉरी पछो मोबाइल मा साइलेंट कर विसरी वा ता हमेशा साइलेंट कंदा कयो मोबाइल चैंदा इन ता लेकिन अज मा विसरी वा ठीक आ बुका भी मिस्टेक थिया ये टिक्यो सा थी ने तैयार ठीक आ बी तना को थैंक यू जी ता आयो ता पंजी रेसिपी ते शेयर कई तमाम घणी खुशी थी आई इंशाल्लाह ताके जरूर घुराइंदा सी आई ही रेसिपी ता सही त मा खाइंदम एकडी अकेली आई ही रेसिपी ता जी सुबह जो अली भाई टाइम पूछ के बताए मुझे रिपीट का तो फिर ये कैसे पता चलेगा लाइव में इनको ठीक है ठीक है ठीक है रिपीट का भी मुझे कुछ पता नहीं किस वक्त चलेगा बाकी सुबह जो जी भी हुंदो ताके मैं मैसेज कर बताई छंदा ठीक है थैंक यू वेरी मच ता आया मुझे प्रोग्राम में तमाम सुठो लगो ता रेसिपी टाइम पर जो खोड़ सारो ख्याल रखो इंशाल्लाह ताके वरी गुजाइंदा सी ठीक है मेहरबानी मैं ये रखता हूं टेबल पे सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है वहां ये रेसिपी अपलोड हो जाएगी वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी एचडी कुकिंग शो YouTube पे ठीक है सिन टीवी एचडी कुकिंग शो YouTube पे सर्च करेंगी आपको वीडियोस मिल जाएंगी या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर सकती हैं कल 11 बजे रिपीट नहीं है मैंने आज बता दिया लेकिन कल 11 बजे रिपीट नहीं है कोई ब्रांड लगी हुई है तो इस वजह से थोड़ी चेंजिंग आई है इंशाल्लाह फिर आगे ब्रांड वही कंटिन्यू वही टाइम होगा या जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कल की रेसिपीज देखिएगा मज़ेदार रेसिपी होंगी इंशाल्लाह आपको अगर मेरे शो में आना है तो आप भी आ सकती हैं ठीक है सुबह 11 लगी रिपीट ना है इनकी टाइमिंग मुख्य भी खबर न पे पे केड़े टाइम रिपीट थी तो मैं तक पेज से बुधाई छदम उत मैसेज के छदम आई वीडियो डिसन ला सर्च कर सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो यूट्यूब ते या कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते सर्च कर दो ताकि वीडियो मिलेंदी कोफ्ता तमाम जबरदस्त एंड परफेक्ट कोफ्तन जी रेसिपी हुई अदी परवीन ते गेस्ट आई हूं इन रेसिपी शेयर कई आई जेका बेसन जी टिक्की जरूर ही ट्राई कर जो आई पो बुधाई छ ताकि के लगी पेज ते भी मारी रेसिपी अपलोड करे वठनम आई वीडियो डिसन ला सर्च कयो सिन टीवी एचडी कुकिंग शो ते वीडियो मिली विंदी सिन टीवी जो नेटवर्क आ सिन टीवी नेटवर्क ऐप डाउनलोड कयो पंज मोबाइल में होते भी ता रेसिपीज ए लाइव शो देसी सको ता इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जेका सुभाणे हुंदी तमाम मजेदार हुंदी पंज कोड सारो ख्याल रखजो सुभाणे ता सा मुलाकात थिंदी दुआओं में तक जो अल्लाह हाफिज
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।